Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Arnath Singh, third year MBBS student at AIIMS New Delhi, and this video will be specifically talking about जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अभी स्टूडेंट्स के साथ कि लास्ट 40-45 डेज में क्या मोटिवेशन उनको ऐसा दिमाग में रखे ताकि वो ना पढ़ाई करते रहें, वो ड्रिवन रहे एंड पढ़ाई पे अपना फोकस लॉक रखे। तो मैं इस वीडियो में ना कुछ अपनी पर्सनल बातें आपको शेयर कर रहा हूँगा कि मैंने क्या सोच के रखा था यार कि जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा तो मैं क्या क्या चीज़ें सोचूंगा, ठीक है। उसमें से कई चीज़ें मैंने पहले शेयर कर रखी हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे जो मैं इस वीडियो में कहने वाला हूँ। तो जो लोग सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ तो ये बोल दूँ यार, देखो दो ऑप्शन रहते हैं लास्ट 40-45 डेज में, या तो तुम रोना धोना मचाए रखो कि सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मेरा ये छूट गया, ये नोट्स कंप्लीट नहीं हुए, काश ये काश वो काश दिस दैट दीज दोज अगर कर रहे हो तो तुम रिजल्ट आने के बाद भी सीना पीट पीट के रो रहे होगे, क्योंकि तुम इन्हीं सब चीज़ों में ना फालतू की चीज़ों में जो 5-10% गड़बड़ हो जाती है ना तुम्हारे प्रिपरेशन जर्नी में चीज़ें, उस पर दिमाग लगा के तुम परफेक्ट होने की कोशिश करते हुए टाइम वेस्ट कर देते हो, और बाकी जो 90-95% चीज़ें जो सही चल रही हैं अभी तक तुम्हारी उसको तुम भूल जाते हो, ठीक। तो एक तो रिपरकशन ये होगा अगर रोना धोना कर रहे हो, अगर इसको तुम ओवरकम कर लेते हो तो दूसरा तुम्हारे साथ क्या होगा ना 40-45 दिन बाद क्या चीज़ें हो रही होंगी कि तुम अपने कॉलोनी में मोहल्ले में भाई सीना चौड़ा करके वहां पे तुम सीना पीट पीट के रो रहे थे अगर ऐसा ही हाल रहा तुम्हारा, रोते धोते हुए टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर अगर टाइम नहीं वेस्ट करते हो और पढ़ाई कर लेते हो ना रोने धोने के बजाय, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा मोहल्ले में और ये जो तुम्हारी कॉलोनी है ना वहां पे तुम सीना चौड़ा करके घूम रहे होगे, हाँ, और सीना ठोक के बोलोगे कि मैं सेलेक्ट हो गया, मैं ड्रॉपर था फिर भी सेलेक्ट हो गया, मैं फर्स्ट टाइमर था, मैंने बोर्ड्स के साथ सिलेक्शन ले ली, ये कह रहे होगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, जितने ड्रॉपर लोग अभी मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं ना सिंपथी सीख करने, तो मैं ये बता दूं यार देखो सिंपथी सीख करने से ना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ मिल रहा होता है यार तो मैं दे दिया होता। सिंपथी देने तो यार सबसे आसान काम किसी को सिंपथी देना होता है भाई, एकदम मतलब सबसे दुनिया का सबसे आसान काम है किसी को सिंपथी दे दो। पर सिंपथी देने से ना भाई जिसको मिल रही होती है ना सिंपथी उसको उस समय तो खुशी मिलेगी कि हाँ भाई वैलिडेशन मिल गया, मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब है, ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं कर रखी है, भाई पढ़ाई क्यों नहीं कर रखी है, मैं तो सिंपथी नहीं देता हूँ, मैं तो उल्टा डांट देता हूँ भाई क्यों नहीं पढ़ाई कर रखी है। 1% जेन्युइन बंदे होते हैं जो जिनको कोई जेन्युइन रीज़न की वजह से फाइनेंशियल पर्सनल इशू फैमिली इशू की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती उनकी, बाकी 99% ना ये डमरू बजा रहे होते हैं। एंड जब रिजल्ट आता है ना किसी टेस्ट सीरीज़ का, मेरा टेस्ट सीरीज़ हो किसी और टेस्ट सीरीज़ आकाश एलन वेदांत तो किस में भी तुम इनरोल्ड हो, उसका जब रिजल्ट आता है तब तुम्हारा मुंह बन जाता है, तब लटकाए मुंह और फिर सिंपथी सी करने आते हो, सर इतना मेहनत किए थे, मैं तो इतना ज़्यादा कुछ किया फिर भी नहीं हो पाया। भाई अंदर एक बार अपने स्केड्यूल में झांक करके देखो, अपने डेली रूटीन में ना झांक करके देखो तुमने कितनी मेहनत की और तुम्हें रिजल्ट मिला कि नहीं। अगर भाई 6 घंटा पढ़ने का मतलब ये नहीं होता किताब खोलें और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, हवा में सोच रहे हैं कि रिजल्ट मिल जाएगा एम्स में सेलेक्ट हो जाएंगे, मेरे को कमेंट कर दिया इंस्टाग्राम पे भैया आई विल बी सेलेक्टेड एट एम्स आई विल मीट यू, भाई ये सब से नहीं होगा सिलेक्शन। देखो तुम अगर ये सब लिख रहे हो और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी पढ़ाई करना, तो ये बात याद रखना। मैंने ये बात अपने समय ध्यान रखी थी, ठीक है, कि मैं जो हूँ लास्ट के 40-45 डेज अगर तुम्हें ना मालूम हो तो मैं प्री बोर्ड भी दिया था बोर्ड भी दिया था, मैं डमी स्कूल का इंसान नहीं था, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने नीट क्रैक किया था उसके साथ, ठीक। तो 30-35 दिन का तुम्हारे पास ना क्रूशियल टाइम रहता है बोर्ड्स के बाद, तो उस भी 30-35 दिन में मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से मैं रोने धोने का ना टाइम एडजस्ट कर लूँ, भाई मेरे को जितना समय था वो कम पड़ जा रहा था पढ़ाई करने के लिए रिवाइज करने के लिए। और तुम लोग पता नहीं कौन से महापुरुष हो कि 24 घंटे के बजाय तुम्हारे पास 26 घंटे हैं और 2 घंटे तुम रोज का रोना धोना में बिता रहे हो, 2 घंटे क्या कहीं तो 4-5 घंटे बिता देते होंगे बेड पे लेटे रहते होंगे मुंह छुपा के या चुन्नी डाल के कि यार ये नहीं हो पा रहा, ये तो बड़ा टफ चीज़ है, मैं कैसे करूँगा, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे से, मैंने पहले भी कभी नहीं उखाड़ा है कुछ आगे भी नहीं। अरे भाई 30-35 दिन ना यार बस दिमाग क्लियर करके अगले 30-35 दिन से पढ़ाई कर ले, जैसा इंस्ट्रक्शन देख तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं उसको फॉलो कर लो, भला ही होगा स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर तुम डिजर्व करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक के पीछे मत भागो अगर सिलेक्शन की रेस में नहीं हो तो, ये ध्यान रखना, रैंक के पीछे भागोगे तो सपने देखने लगोगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिलेक्शन की रेस में नहीं है, पहले सिलेक्शन की रेस में आओ फिर रैंक के सपने देखोगे तब हाँ रैंक अचीव करने का मन करेगा, ठीक है। पर अभी सिर्फ रैंक के सपने देख रहे हो ना तो सिलेक्शन की रेस में भी अगर नहीं हो रैंक के सपने देख रहे हो तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, क्योंकि सपने देखने में तुम ज़्यादा समय बिता रहे हो ना कि सिलेक्शन सिक्योर करने में सीट सेल सिक्योर करने में।
और एक और बात याद रखना यार, ये सब ब्रूटल बातें जो ब्रूटल ऑनेस्ट टॉक मैं कर रहा हूँ ना, रफ टॉक, उसका एक मतलब है मेरा कि ऐसा ना हो कि जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो तुम दूसरों के फेसबुक प्रोफाइल पे जा रहे हो और वो जब अपलोड कर रहे होंगे ना ऐसे पोस्ट, स्टार्टिंग माई MBBS जर्नी एट EMC न्यू दिल्ली, स्टार्टिंग माई MBBS जर्नी मौलाना आज़ाद, BMMC, BHU, KGMU, सेठ जी, जब ये सब वो डाल रहे होंगे ना, तो तुम उन पे जाके लाइक ठोक रहे होगे, जो पोस्ट तुम डिजर्व करते थे, जो पोस्ट तुम्हें डालना चाहिए था, और बाकी बंदे लाइक उस पर ठोक रहे होते ना, लाइक लव रिएक्ट और वो जो वाला जो रिएक्ट होता है ना, ये एस्टॉनिशिंग वाला रिएक्ट जो होता है, अमेज्ड और एस्टॉनिश्ड ऑसम वाला जो रिएक्ट था, वो सब कोई और ठोक रहा होता है तुम्हारे पोस्ट पे, पर तुम दूसरों के पोस्ट पे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम अभी टाइम वेस्ट किए हो। तो मैं ये नहीं चाहता मेरे कोई भी बंदे जो ARS आर्मी का पार्ट है उसके साथ ऐसा हो, समझ रहे हो? ठीक है भाई, तुम्हें जानते हो इतना बुरा लगेगा जब सिलेक्शन हो जाएगी ना, तुम्हारे दोस्तों का, आसपास के कॉलोनी वालों का, ठीक है, जिनको तुम जानते नहीं होंगे, दोस्त नहीं होंगे, पर सुनने में आएगा तुम्हें, क्योंकि भाई वो जो जिसका सिलेक्शन होता है ना, सीना तो वो एक गोरिल्ले जैसे पीटी रहा होगा अपना, ठीक है, सीना ठोक के तो बोल रहा होगा आसपास के लोगों के, पर जो उसकी शेर की दहार निकलेगी ना, पूरे कॉलोनी में गूंजेगी, और फिर तुम कान बंद करके भी ना अवॉइड नहीं कर पाओगे, साउंड प्रूफिंग भी करा लोगे ना रूम की, तो वो फैक्ट अवॉइड नहीं कर पाओगे कि वो सेलेक्ट हो गया और तुम पीछे रह गए, समझ रहे हो? ठीक है, तो उसके फेसबुक प्रोफाइल पे लाइक ठोकने के बजाय फ्यूचर में अभी अपने आप पे मेहनत कर लो, तो बंदे तेरे फेसबुक प्रोफाइल पे लाइक ठोकेंगे, नहीं तो कूड़ेदान में भी यार तुम्हें जगह नहीं मिलने वाली, सही बता रहा, कहीं कुछ अता पता नहीं चलेगा, तुम जितना हार्ड वर्क किए ना 1.5-2 साल, उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला तेरे को, कोई कुछ बात ही नहीं करेगा, दुनिया रिजल्ट पे चलती है यार, ये याद रखना, दिस इज द हार्ड ट्रुथ, दिस इज द हार्श ट्रुथ एज वेल, दुनिया रिजल्ट पे चलती है, रिजल्ट नहीं आया जितनी मेहनत की, बाय बाय, बाय बाय टाटा। तो इसलिए भाई जो मेहनत कर रखे हो ना उसकी रिस्पेक्ट करो, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करना मत करो, जो मेहनत कर रखे हो उसकी रिस्पेक्ट करो, और आगे भी मेहनत कंटिन्यू करते रहो अगले 30 से 40 दिन, ठीक। और जो बातें मैंने अभी दो बोली ना कि तुम्हारा कोई दोस्त है वो शेर की तरह दहाड़ रहा होगा और तुम बिल्ली की तरह छुप के रूम में बैठे होगे कि और किसी को अपना शक्ल नहीं दिखा रहे होगे आसपास, मैं जान रहा हूँ कई कई लोग ऐसा ही होगा, देखना यही होगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है, रैंक शीट मिल जाएगी, रिजल्ट आ गया, पता चला सिलेक्शन नहीं हुआ, मुंह दबा के कहीं रो रहे हैं, मुंह दबा के छुपाए हुए हैं अपना, ठीक है, बिल्ली की तरह किसी यू नो कॉर्नर ऑफ द रूम में दब्बू की तरह बैठे हुए हैं, और कोई बंदा सामने दहाड़ रहा है और किसी का व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहा होगा, तो ऊपर से स्क्रॉल करके बस देख लोगे, हिम्मत ही नहीं होगी उसका सीन करने को मैसेज, कि वो बता रहा है तुम्हारा दोस्त कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, आई सिक्योर्ड दिस रैंक, उसका ना बस तुम ऊपर से मैसेज रीड कर रहे होगे व्हाट्सएप पे, या फिर आईफोन है ना बेटा तो ये लॉक स्क्रीन पे ही रीड करके छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी फेस करने की, भाई खुद को नहीं फेस कर पा रहे हो, दूसरों को कहाँ से फेस करोगे, ना टीचर को ना अपने मॉम डैड को फेस कर पाओगे, जो अगर तुम जेन्युइनली उनको बेवकूफ़ बनाने की सोच रहे हो ना यार, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, अभी महा बेवकूफ़ हो, महा गधे वाला काम कर रहे हो, अगर तुम रोने धोने में टाइम बर्बाद कर रहे हो और सोच रहे हो तुम इतने स्मार्ट हो कि सामने वाले को बेवकूफ़ बना दोगे अपने यू नो स्टूपिड एक्सक्यूजेस देके कि मेरे इसकी वजह से पढ़ाई नहीं हुई, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं हुई। तो दिस वॉज अ वीडियो फॉर टुडे गाइज, आई होप आप ये बातें याद रखेंगे, एंड रोना धोना हो गया हो तो पढ़ाई कर लो यार, लास्ट में मैं यही कहूँगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग, एंड 40 से 45 दिन ना ये बातें याद रखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प करेगी यू नो अगले 40 से 45 दिन मोमेंटम अपना बनाए रखने में। सो ऑल द बेस्ट यार।